हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि हम रिपोर्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे। तो सबसे पहले ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक करता हूं। पहले हम डेटाबेस तैयार कर लेते हैं जल्दी से। और यहां व्यू पे जाना है, डिजाइन व्यू पे जाइए आप। ये चीजें मैं बहुत बार बता चुका हूं, दैट्स व्हाई मैं इस चीज को अभी नहीं बता रहा हूं। यहां पे स्टूडेंट रिपोर्ट मैं लिखता हूं, रिपोर्ट कार्ड, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूं तो यहां आईडी आ रही है, ये स्टूडेंट की आईडी होगी। यहां पे स्टूडेंट का नेम होगा, ठीक है, स्टूडेंट नेम कर दिया मैंने। और ये टेक्स्ट डेटा टाइप होगा। और यहां पर दो सब्जेक्ट मैं ले लेता हूं, उनका टोटल करवा दूंगा, स्टूडेंट, ठीक है, और इंग्लिश, ये दो सब्जेक्ट हो गए, ठीक है। और यहां पर इसका टोटल, ओके, तो ये टोटल हो जाएगा। अगर आप फोटो ऐड करवाना चाहते हैं तो यहां फोटो भी लगा सकते हैं हम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। कैसे लगाएंगे, फोटो कर देंगे यहां पे, ठीक है। और इसका जो डेटा टाइप होगा वो अटैचमेंट रखेंगे हम, क्या रखेंगे, अटैचमेंट। तो देखिए इसमें अटैचमेंट कहीं आ रहा है, यहां पे है, ठीक है। और इन सबको हम नंबर डेटा टाइप में रखेंगे, ठीक है। अब यहां से व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमें इस प्रकार से कुछ दिखेगा, इसको सेव करेंगे। अब देखिए इस तरह से हमारा टाइटल आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, थोड़ी क्वेरी बना लेते हैं, ठीक है। और यहां से जाकर के क्वेरी डिजाइन में जाएंगे, और क्वेरी डिजाइन में जाने के बाद इसको ऐड करवा लेंगे। ऐड करवाने के बाद यहां से डबल क्लिक करके इन सबको ऐड करवाएंगे, 2, 3, 4, 5 और एट लास्ट फोटो को यहां पे रखना है कर्सर को, ठीक है। और यहां पे देखिए हिंदी प्लस इंग्लिश, ये दोनों हमने कर लिया, ओके। इसको करने के बाद यहां से ओके प्रेस करना है आपको, ठीक है। और यहां से रन पे क्लिक करना है तो ये रन हो जाएगा रिकॉर्ड। और यहां से अब आप जब एंटर करेंगे कोई भी डेटा तो ये इसमें आता जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्रिएट पे, ठीक है। और क्रिएट पे चल के और हम जो डेटा बनाएंगे उसके लिए हम एक फॉर्म ले लेते हैं। तो यहां से देखिए मोर फॉर्म दिया हुआ है, या फॉर्म दिया हुआ है, तो यहां मोर फॉर्म पे क्लिक करेंगे हम, फॉर्म विजार्ड पे चलेंगे, ठीक है। इसको सेव कर लेंगे, क्वेरी वन आ रहा है तो मैं रिपोर्ट कार्ड के नाम से इसको सेव करता हूं, रिपोर्ट कार्ड, ओके। एंटर प्रेस करेंगे तो ये सारे रिकॉर्ड्स हमें चाहिए, तो यहां पे हमने क्लिक किया, फिर यहां पे ऐसे क्लिक किया। और डेटा आपको किस फॉर्म में चाहिए, कॉलमर फॉर्म में चाहिए, टेबुलर फॉर्म में चाहिए, जैसे भी चाहिए आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ फिनिश पे क्लिक कर देते हैं तो ये डेटा हमारा इस तरीके से कुछ आएगा, ठीक है। अब इसको हमें छोटा बड़ा करना है तो इसको हमको अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, तो यहाँ डिजाइन व्यू में आकर के और इसको हम छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहां से इसको छोटा बड़ा हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं लेआउट व्यू में आके, ये लेआउट व्यू में आ गए और यहां से इसको छोटा बड़ा किया जा सकता है इसको भी, ठीक है। ये छोटा कर लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे तो मार्क्स देने हैं तो बाकी सब चीजें ठीक है। तो अब हम आएंगे वापस डिजाइन व्यू में और यहां पर हम बटन्स बनाएंगे। कैसे बटन्स बनाएंगे, 2-4 बटन बना के मैं दिखा। तो यहाँ पे अगर कुछ लिखना चाहे इसके नीचे, रिपोर्ट कार्ड के नीचे, तो यहाँ लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ये जो लेबल है इसको क्लिक करेंगे हम और यहां पर भी हम कुछ लिख सकते हैं चाहे तो, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूं मार्क, तो ये हो गया। इसके बाद से अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली बटन्स क्रिएट कराने हैं। तो यहां बटन पर क्लिक करेंगे और यहां पर जो भी बटन है उसको ड्रैग करवाते जाएंगे। जैसे सपोज कीजिए यहां पर ड्रैग करवाया हमने तो ये एक बटन बनेगा। तो अभी हमको कौन सा बटन बनाना है, फाइंड रिकॉर्ड का बटन बनाना है, तो यहां पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहां पर टेक्स्ट रखना चाहे तो टेक्स्ट रख सकते हैं, पिक्चर रखना चाहे तो पिक्चर रख सकते हैं, ठीक है। यहां कमांड 14 है, मैं यहां पर लिखता हूं फाइंड, FIND, फाइंड, ठीक है। और यहां से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, फाइंड का बटन बन करके, ठीक है। अब दूसरा बटन बनाना है हमें, यहां पर क्लिक करेंगे और ये लिया हमने। अब सपोज कीजिए यहाँ प्रिंट का बटन हमें बनाना है तो क्या करेंगे, रिकॉर्ड ऑपरेशंस पे जाएंगे और यहां से प्रिंट रिकॉर्ड का ऑप्शन आ रहा है, यहां से हम इसको प्रिंट का बटन भी बना देंगे। टेक्स्ट यहां ले लेंगे और यहां पर लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, ताकि हमें पता चलता रहे कि ये प्रिंट का ही बटन है, ठीक है। तो ये प्रिंट रिकॉर्ड का भी बटन तैयार हो गया हमारा, ठीक है। अब एक और बटन बनाते हैं, यहां से क्लिक करेंगे, ये हो गया हमारा,
प्रिंट रिकॉर्ड का तो बटन हमने बना लिया, गो टू लास्ट रिकॉर्ड और फर्स्ट रिकॉर्ड, इसका भी बटन बनाना है तो लास्ट रिकॉर्ड और फर्स्ट रिकॉर्ड का भी बटन बना लेते हैं। यहां से फर्स्ट रिकॉर्ड का बटन है ये, यहां पे लिखते हैं फर्स्ट रिकॉर्ड FIRST, ठीक है, ये फर्स्ट रिकॉर्ड हो गया। अब यहां से फिनिश पे क्लिक कर देंगे तो ये हो गया लास्ट रिकॉर्ड पे, ये लास्ट रिकॉर्ड, ओके, तो ये लास्ट रिकॉर्ड का बटन है, क्लिक करेंगे और यहां लिख लेंगे लास्ट रिकॉर्ड, यहां से बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहां पर इसको ड्रैग करवाएंगे तो वो ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अब देखते हैं इसमें क्या हमें बटन बनाना है, सारे बटन हमने लगभग बना ही लिए हैं, तो अब डिलीट का बटन बनाना है, ठीक है, तो यहां पे डिलीट का भी और टेक्स्ट चाहिए, पिक्चर नहीं चाहिए, ठीक है, तो यहां पे डिलीट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड, ओके, तो डिलीट रिकॉर्ड कर दिया हमने। अब यहां से फिनिश पे आप कर दीजिए क्लिक, ठीक है, और रिपोर्ट डिजाइन ये दिया हुआ है, रिपोर्ट विजार्ड दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, रिपोर्ट जनरेट करना है, तो इन सारे रिकॉर्ड्स को हम ले लेते हैं और यहां से क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहां से असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जो भी आपको करना हो, स्टूडेंट नेम के ही बेस पे ले लेते हैं हम, और इसको थोड़ा हम लैंडस्केप व्यू में रखेंगे, और यहां से जो भी स्टाइल आपको पसंद आती हो वो स्टाइल ले लीजिए और यहां से फिनिश पे क्लिक कर दीजिए, तो ये इस तरह से आपका दिखाई पड़ेगा। अब देखिए ये थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, रिपोर्ट तो हमने तैयार कर ली लेकिन अभी इसमें हमने कोई रिकॉर्ड नहीं एंटर कराया था, तो इसको मैं अभी क्लोज करता हूं। इसमें हमें रिकॉर्ड्स भी एंटर करवाने हैं, तो रिकॉर्ड्स कहां से एंटर होंगे, फॉर्म में जाके एंटर होंगे, ये हमारा फॉर्म है, ठीक है, तो यहां पर जैसे ही मैं आऊंगा तो यहां पर मैं नाम लिखता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा राम कुमार, ये नाम लिख दिया हमने, ठीक है, और यहां पर जो भी आपका मार्क्स होगा इनका, जैसे 66 मार्क्स हमने एंटर किया, ठीक है, और यहां पर आकर के 67 मार्क्स एंटर किया, तो ये देखिए यहां पे ये आ गया, ठीक है। अब यहां से फोटो अटैचमेंट लेना है, तो जो भी फोटो है आपके कंप्यूटर में मौजूद है वो फोटो इनकी लगा दीजिए, अगर हो फोटो तो, ठीक है, यहां पे देखते हैं कोई फोटो हमारे पास पड़ी होगी तो उसको हम लगा देंगे, सपोज कीजिए यही है थंबनेल है मेरे पास, इसी को मैं लगा देता हूं फोटो के तौर पर, ठीक है, तो ये फोटो यहां आ गई, ठीक है। अब हमको ये लास्ट रिकॉर्ड का बटन बनाया, नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन हमने नहीं बनाया है, तो यहां से हम नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जा सकते हैं, यहां पे देखिए आप चाहे तो बना भी सकते हैं नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन, ठीक है, तो यहां पे हम नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आ गए। अब दूसरा रिकॉर्ड हमें एंटर करवाना है, तो यहां पर लिखता हूं मैं, ये लिख दिया हमने, और यहां पर मार्क्स एंटर करेंगे 77, यहां पर 44, तो ये टोटल हो गया, और इनकी फोटोज जो है वो यहां से, ठीक है, तो जो भी फोटोज हैं वो सपोज कीजिए यही फोटो है तो यहां से लगा लिया हमने, ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये हम कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है। अब इसको मैं करता हूं यहां से सेव, ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है, और ये हम फॉर्म व्यू में है, ठीक है, देख सकते हैं आप, रिपोर्ट कार्ड जो जनरेट होगा, ठीक है, उसको भी देखेंगे हम, यहां से रिपोर्ट व्यू में आ जाएंगे तो देख पाएंगे, ये राजकुमार की रिपोर्ट है, ठीक है, देख सकते हैं आप, ये राजकुमार का नंबर है, आईडी है। अब यहां पे देखिए ये चीज कट रही है, ये जो टाइटल है वो हमारा कट रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पर आएंगे, ठीक है, और आप लेआउट व्यू में ही आ जाइए और थोड़ा थोड़ा इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहां से थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इधर से छोटा करेंगे, ठीक है, तो ये छोटा कर लिया हमने, अब ये थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको खींचेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, अच्छा स्टूडेंट नेम काफी बड़ा है तो इसको थोड़ा सा और छोटा कर देंगे बस, तो ये हो गया आईडी, ठीक है। अब यहां से इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, हिंदी इंग्लिश थोड़ा बड़ा करेंगे बस, तो ये देखिए ये ठीक प्रकार से बिल्कुल प्रिंट होकर आ गई है रिपोर्ट हमारी, रिपोर्ट हमने जनरेट कर लिया है, ठीक है। आप चाहें तो इसमें आगे भी नाम दे सकते हैं, जैसे ये जो हमने फॉर्म लिया है इसमें हम आगे बढ़ सकते हैं, यहां से आएंगे और यहां पर क्लिक करेंगे तो ये थर्ड हमारा आ गया है, ठीक है, और यहां पर जैसे मान लीजिए हमने लिखा ईशा, ठीक है, ईशा, ठीक है, ये लिख दिया और यहां पर मार्क्स दे दिए हमने 88, 34, तो यहां पर टोटल होके आ गया, ठीक है, और यहां पर क्लिक करेंगे तो ये फोटोज हम लगा पाएंगे, ठीक है, जैसे सब कुछ कीजिए यही फोटो हमने लगा दी, ओके, तो अब इसको सेव भी कर लेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे सेव हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहां प्रिंट रिकॉर्ड का ऑप्शन है, यहां से आप प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है, यहां पर रखिए इसको प्रिंट करवा लीजिए, ठीक है,